श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि उनके पीठ पर एक कुब उभरा हुआ होता है, तो ये उस व्यक्ति के बारे में क्या इंडिकेट करता है? ये हम आपको सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से बताने जा रहे हैं। सामुद्रिक शास्त्र हमारे भारतीय ज्योतिष का एक हिस्सा है। अभी इसमें व्यक्ति के शरीर के अंग, शरीर पर बने चिन्ह, चाल ढाल, रहने सहने तरीकों से आप ये जान सकते हैं कि व्यक्ति कैसा होगा, उसकी गुप्त बातें जान सकते हैं आप। हमारे शरीर के हर अंग की बनावट और उसके स्वभाव के अलावा शरीर पर उपस्थित हर चिन्ह का अपना एक विशेष महत्व होता है। तो चलिए हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि अगर किसी के पीठ पर कुब उभरा हुआ है तो व्यक्ति कैसे स्वभाव का होता है या फिर कैसा होता है। जिस व्यक्ति के पीठ पर कुब उठा हुआ होता है वो दूसरे की शक्ति का अनुचित लाभ उठा सकता है। ये दूसरों के धन से ही अपना व्यापार चलाते हैं और फायदा उठाते हैं। ऐसे लोग बहुत जिद्दी होते हैं और हठधर्मी होते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये लोग छोटी मोटी बातों से घबराते नहीं हैं और फिर उनका डटकर सामना करते हैं। कभी कभी ये लोग लापरवाही हो जाते हैं, आप इन पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हो, चाहे किसी मामले में हो, किसी काम के मामले में आपने इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी दे दी तो आप इन पे ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते। आदमी कंप्लीट कर ही लेगा, आपने सपोज इनको 1 लाख रुपए दे दिया तो आप इन पे ब्लाइंड फेथ करके नहीं दे सकते। कहने का मतलब ये है, ऐसे नौकरी पेशा लोग दूसरों की चापलूसी करके आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब चापलूसी करने को आप यहाँ बुरा नहीं बोल सकते, आज की जो दुनिया चल रही है चापलूस लोग आज तरक्की कर रहे हैं अगर हकीकत में देखा जाए तो। अगर आप में चापलूसी वाले गुण नहीं हैं तो फिर तरक्की चांसेस कम हो जाते हैं। तो आज के टाइम की तो भैया अब अच्छा गुण है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।